हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट और छांटे हुए प्रश्न जिनके उत्तर आपके सामने दिए रहेंगे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। भारत के किस राज्य की राज्य भाषा इंग्लिश है? तो नागालैंड। फ्रेंड्स, ऋग्वेद ज्ञान का प्रतीक है, यजुर्वेद कर्मकांड, सामवेद उपासना, अथर्ववेद विज्ञान। तो फ्रेंड्स, मोबाइल की स्क्रीन पर बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है और लास्ट तक बने रहिएगा। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन बेयर्ड ने किया था। रडार का आविष्कार टेलर यंग। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। दूध खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही कौन सी होती है? सिल्वर नाइट्रेट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। प्याज व लहसुन में कौन सा गंध होता है? पोटेशियम के कारण। यक्ष किरड़े की खोज रोंटजन ने किया था। स्कूटर के आविष्कार ब्रॉडसा। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। समुद्र की गहराई नापते हैं फैदोमीटर से। डीएनए संरचना का मॉडल दिया वाटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन है? यूरिया। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम वेल। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक के टीके की खोज कौन किया था? जेनर ने। जीव विज्ञान के जन्मदाता अरस्तु। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी कौन थे? यूरी गार्गिन। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांग की होती। सबसे छोटी स्टेपीज कान की होती। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेसिया। किस विटामिन में कोबोल्ट होता है? तो विटामिन बी12। तो नेक्स्ट चलते हैं। रतौधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरीबेरी। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। रेबीज के टीके की खोज किसने किया? लुईस पाश्चर ने। और हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच। और किस सन में की थी? तो 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट, कौन सा शहर मात्र एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना? तो इलाहाबाद था। फ्रेंड्स, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो 552 सदस्य होते हैं। यहाँ के देखते हैं, 10 रुपये की नोट में कोणार्क मंदिर है जो कि उड़ीसा में है। 20 रुपये की नोट में एलोरो की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। 50 रुपये की नोट में हम्फी का रथ कर्नाटक का है स्थित है। रानी की बावड़ी 100 रुपये की नोट में, रांची का स्पूत 200 रुपये में, लाल किला जो है 500 की, 2000 में मंगलयान है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। ईवीएम मशीनों को मत पेटियां की तुलना में आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है क्योंकि यह हल्का और पोर्टेबल होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद चलते हैं। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस यूनानी विद्वान थे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इरेटोस्थनीज थे। जो भूभौतिकी का जन्म किसने किया? तो वही थे फ्रेंड्स, इरेटोस्थनीज। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को। विश्व ग्लोब का निर्माण किसने किया? तो मार्टिन वेहम ने। भारत का प्रथम मानचित्र चित्र किसने बनाया? था एना विले। विश्व मानचित्र का सर्वप्रथम भारत किसने दर्शाया? था टॉम लेमी। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान होबोल्ट को।
ब्राह्मण की उत्पत्ति कब हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई लगभग 15 अरब वर्ष पहले। फ्रेंड्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? तो बिग बैंग घटना द्वारा। ब्रह्मांड के नियमित अध्ययन का आरंभ किसने? तो टॉमली। सौरमंडल की खोज किसने की? तो कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में। मंदाकिनी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। मंदाकिनी को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड। फ्रेंड्स, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो सर्पिला कार। फ्रेंड्स, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ क्या है? तो एक मंदाकिनी है। दोस्तों, आकाशगंगा की सबसे शीतल व चमकीले तारों का समूह कौन सा है? तो ओरियन नेबुला। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी कौन सी है? देवयानी। सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। फ्रेंड्स, आकाशगंगा से मंदाकिनी देवयानी की दूरी कितनी है? तो 2.2×10^8 प्रकाश वर्ष। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सूर्य के साथ 8 ग्रह हैं। सौरमंडल के सभी पिंड किसके कारण आपस में बंधे होते हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधे होते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोली पिंड को क्या कहा जाता है? तो ग्रह कहा जाता है। फ्रेंड्स, ग्रह के चारों ओर घूमने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने। ऋग्वेद में अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ संबंध सूचन कौन किया? तो कुंभा और क्रुमू। इतिहास के ज्ञात स्रोतों के अनुसार श्रावस्ती नगर की आकृति कैसी है? तो अर्ध चंद्राकार। सौतांत्रिक किस धर्म का संप्रदाय? बौद्ध धर्म का। प्रथम गुप्त वंश शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। महान जैन विद्वान हेमचंद किसके सभा में थे? जयसिंह सिद्धराज के। शुंग राजवंश का संस्थापक कौन सा था? भागवृद्ध। गीत गोविंद का रचयिता कौन था? जयदेव। फ्रेंड्स, औरंगजेब कौन सा वाद यंत्र बजाता था? तो वीड़ा। किस सुल्तान ने एकता व्यवस्था आरंभ की? तो इल्तुतमिश ने। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे बने? तो संगमरमर से। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,850 किलोमीटर में है। K2 की ऊंचाई 8,600, कंचनजंगा 8,598, लोहोत्से 8,501, मकालू 8,481, धौलागिरी 8,172 मीटर में है। फ्रेंड्स, ऊंचाई इनकी है मीटर में। नेक्स्ट, नंगा पर्वत 8,126, नंदा देवी 7,817, इलाम्पू 7,014, मैकिलने 6,194, माउंट इलियास 5,944, अरारात 5,156, माउंट वालांग 4,810। ये जो है इनकी ऊंचाई है, पर्वत शिखर है, इनकी ऊंचाई थी। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कैस्पियन सागर जैसे क्षेत्रफल कितना है किलोमीटर में चलते हैं? कैस्पियन सागर की 371,000, सुपीरियर झील 82,100, विक्टोरिया झील 6,900, ह्यूमन झील 59,600, हिमिसिगन झील 57,800, तेंगानिका झील 32,900, बैकाल झील 31,500। ये जो है, उसके बाद नहर देख लेते हैं, स्थान देखते हैं। सु नहर जो यूएसए में है, एरी नहर यूएसए में है, कोटा नहर स्वीडन में है, कील नहर जर्मनी में है, मैनचेस्टर नगर ग्रेट ब्रिटेन में है, वाल्गा डान नहर रूस में है, स्वेज नहर मिस्र में है, पनामा नहर पनामा में है, अल्बर्ट नहर पश्चिमी यूरोप में है, वेलैंड नहर यूएसए में है। फ्रेंड्स, ये स्थान थे। नेक्स्ट देखते हैं, ये सागर का नाम है, क्षेत्रफल है। दक्षिण चीन का सागर 29,74,600, कैरिबियन सागर 27,53,000, भूमध्य सागर 25,03,000, उसे बेरिंग सागर 22,068,180,
पूर्व चीन सागर 12,49,150, जापान सागर 10,07,500, उत्तरी सागर 5,75,300, काला सागर 4,61,980। ये जो है क्षेत्रफल में थे, ये किलोमीटर में है फ्रेंड्स, किलोमीटर स्क्वायर में थे। अब जल प्रपात इसकी ऊंचाई देखते हैं, एंजिल 979, ये योसे एसो में माइट 739, द मार्डो लफास 655, टूगेला 614, क्यू के नामा 610, रिवन 491, जोग प्रपात 255, नियाग्रा 120। ये जो है मीटर में इनकी ऊंचाई है, इधर जल प्रपात हैं, ये जल प्रपात के नाम थे, इधर जो है इनकी ऊंचाई थी जो कि मीटर में है फ्रेंड्स। नियाग्रा की जो है 120 है, 120 मीटर में है। इसके बाद खाड़ी का नाम, इस क्षेत्रफल इसका कितना है, तो मैक्सिको की खाड़ी 15,44,000, हडसन की खाड़ी 12,33,000, और अरब की खाड़ी 2,38,000, सेंट लॉरेंस की खाड़ी 2,37,000, कैलिफोर्निया की खाड़ी 1,62,000। इनका जो है क्षेत्रफल थे, क्षेत्रफल जो है किलोमीटर स्क्वायर में था इनका क्षेत्रफल फ्रेंड्स, खाड़ी का नाम था। नेक्स्ट देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप एशिया द्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है फ्रेंड्स। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, विश्व का सबसे बौद्ध द्वीप समूह इंडोनेशिया, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये नील नदी है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, मेडीरा अमेजन की है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का माजुली भारत में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। विश्व में सबसे बड़ी मतदाओं वाला देश है भारत। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कनाडा है। विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश है चीन है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका का है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है अल्जीरिया। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है ओस्टोक अंटार्कटिका। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ी ताज़ा पानी वाली झील लेक सुपीरियर। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। विश्व का सबसे ऊंचाई वाला स्थित झील है टिकटिकाका। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वल्गो झील फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है महात्मा गांधी सेतु पटना, जो कि भारत में सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना में है। भारत में सबसे बड़ी झील वुलर झील। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान राजस्थान में है। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन है। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। भारत में सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड। भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा। सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंची मूर्ति गोमेश्वर कर्नाटक में है। भारत में सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज है। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। विश्व भारत में सबसे बड़ा तारामंडल है बिरला प्लेनेटोरियम। भारत में सबसे बड़ी गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल गोवा में है। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है।
विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रू से कन्याकुमारी। विश्व भारत में सबसे बड़ा अजाय घर कोलकाता में। भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम साल्ट लेक स्टेडियम। भारत में सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। और कारगिल का युद्ध जो है 1999 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी में। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह जो है 1930 ईस्वी में। वास्को डिगामा भारत कब आया था तो 1498 में। साइमन कमीशन जो है 1928 ईस्वी में हुआ था। आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एसआई सब इंस्पेक्टर फ्रेंड्स होता है। डीआईजी का होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। आईजी का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। एसआई का जो है सब इंस्पेक्टर होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, एसएसपी का फुल फॉर्म होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी को होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफ पुलिस। एसटीएम को होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेटिव। एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, जल का पीएच मान 7 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। सिरके का पीएच मान 3 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4 तक। मानव लार का जो पीएच मान 6.5 से 7.5 तक। नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.4। एनएसीएल का पीएच मान होता है जो है 7 होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, शराब का पीएच मान होता है 2.8 होता है। आंसू का पीएच मान होता है 7.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। क्षारीय घोल का पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया, सोरेनसन ने। पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है, किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना दर्शाता है, किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय। नेक्स्ट देखते हैं, आईएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। एमएससी का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ साइंस। आईए इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स। एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स। आईकॉम इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। वीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स। उसके बाद जो है एमकॉम का होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो फ्रेंड्स उसके बाद देखते हैं, बस लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, उसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टॉपिक है, तो नेक्स्ट में है सीआईडी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस डिपार्टमेंट या सीबीआई का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। सीआरपीएफ होता है जनरल रिजर्व पुलिस फोर्स। एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस।
CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है, RAF रैपिड एक्शन फोर्स होता है, SPG स्पेशल प्रोटेंशंस फोर्स होता है, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट डॉक्टर मतलब DR मतलब डॉक्टर होता है, MR मतलब मिस्टर होता है, MRS मिस्ट्रेस, MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, PM का प्राइम मिनिस्टर, CM का चीफ मिनिस्टर होता है, और CNC मतलब कॉमर्स इन चीफ होता है फ्रेंड्स। तो आप MLA का आप जान ही रहे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग होता है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, UDC अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक। LT गवर्नमेंट मतलब होता है लेट्यूमेंट गवर्नमेंट मेंट गवर्नमेंट, ITO इनकम टैक्स ऑफिसर, VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स, MS मतलब मिस जो कि फीमेल के लिए लगाया जाता है, अनमैरिड अनमैरिड जो हैं उन्हें मिस कहा जाता है फीमेल में। उसके बाद BEd का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशंस, BTech का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BBA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रे, MBA का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA का फुल फॉर्म हो गया। MCA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा, चलते हैं नेक्स्ट।